इस वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 3.4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये पेज 60 पे है। क्वेश्चन नंबर 1, लॉग ऑफ एक्स है 0.8024 और आपने एक्स मालूम करना है, तो एक्स क्या होगा? एंटायर लॉग 0.8024। अब 0.8024 ये करेक्टरिस्टिक है, जिसका मतलब ये है कि रेफरेंस पॉइंट और इशारिया एक ही जगह पे हैं, और ये आपका मेंटीसा है, इसको लेके चलना है। तो 80 की रो में 2 के नीचे वैल्यू देखनी है और उसके अंदर 4 के कॉलम जो एंड वाला है उसकी वैल्यू ऐड कर देनी है। तो देखते हैं, 80 की रो में 2 के नीचे ये 6339 लिखा हुआ, ये टी की रो है, ये 0 का कॉलम, 1 का, ये 2 का, 6339, और उसमें एंड में 4 वाला कॉलम ये है। तो 6339 में आपने 6 ऐड करना है, 6339 में 6 ऐड करना, 6339 में 6 ऐड करेंगे तो 5 ये आ गया। तो ये आपका आंसर है। इसमें सिर्फ मेंडिसा फिट करना है, सॉरी करेक्टरिस्टिक फिट करना है, जो कि यहाँ पे होगा क्योंकि रेफरेंस पॉइंट यही है, तो इशारा यहीं पे होगा। तो आंसर आ गया 6.345। क्वेश्चन नंबर 2 वो है, लॉग ऑफ एक्स बराबर है 1.8024 के। तो एक्स बराबर होगा एंटायर लॉग 1.8024 के। तो 1.8024 में ये आपका करेक्टरिस्टिक है, जिसका मतलब ये है कि अब जब आपने एंटायर लॉग लेना है तो रेफरेंस पॉइंट से अब आप राइट साइड पे एक जंप लगवाएंगे इशारिया के लिए, ठीक है। इसको देखते हैं, 80 की ये मैंने ठीक लिखा, सही है, वही वैल्यू है, सिर्फ इस दफ़ा पिछले सवाल वाली वैल्यू सिर्फ उन्होंने यहाँ 1 लगा दिया। मैं ज़रा देख के हैरान हुआ कि ज़रा जानी पहचानी वैल्यू है। तो 8024 का तो हम एंटायर लॉग पिछले सवाल में देख चुके हैं, ठीक है ना। तो वही वैल्यू हमें इधर भी काम आ सकती है। तो जब हमने इसका एंटायर लॉग देखा था, तो आप पिछले सवाल से देखें तो वो था 6345। तो ये 6345, अब चूँकि करेक्टरिस्टिक 1 है, तो रेफरेंस पॉइंट से इशारिया को आपने वापस इधर एक पोजीशन लेके आना है। तो 63.48 आंसर आ गया, 45 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, लॉग ऑफ एक्स बराबर है 2.5325। एक्स इसके बराबर होगा एंटाई लॉग 2.5325। ये 2.5325 ये आपका करेक्टरिस्टिक्स है, इसका मतलब ये कि रेफरेंस पॉइंट से इशारिया को राइट साइड पे वापस लाने के लिए आपको 2 जंपे लगवानी पड़ेंगी, 1 और 2। और ये आपका पहला पार्ट, ये तो 53 की रो में 2 के नीचे वैल्यू देखनी है और ये 5 के नीचे 0.5325। तो ये देखें, ये 53 की रो है, मैंने आपको दिखा दी, 3 के नीचे वैल्यू देखनी है, तो ये वैल्यू, ये 2 के नीचे देख, 0.5325 है ना, तो ये देखेंगे 3404, और एंड के कॉलम में 5 के नीचे वैल्यू कौन सी बनती है? 4, ये 4, ये तो 3404 में आपको 4 ऐड करना है, तो 3408 हो जाएगा, 3408। अब इसमें इशारिया फिट करना है, 2 जंपे लगवानी, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, 2 जंपे लगाएं तो इधर आ जाए, तो ये आपका आंसर है 3408, 3408 ठीक आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लॉग ऑफ एक्स बराबर है 3.4567, एक्स किसके बराबर होगा एंटाई लॉग 3.4567 के। अब 3 पॉइंट, ये पॉइंट मैंने लगाया, 4567,
ये आपका करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रेफरेंस पॉइंट से इशारे को 3 जंप पे लगवानी है, ठीक है, 3 जंप्स। ये 45, ये 6 और 7। तो 45 की रो में 6 के नीचे और 7 के नीचे की वैल्यू देखें। 45 की रो ये है, उसमें 6 के नीचे वैल्यू आती है जी ये वाली 2858, और 7 के नीचे 5 आता है। 2858 में आप 5 ऐड करेंगे तो 2863 आ जाएगा। तो ये आता है 2863। तो आपने 3 जंपे लगवानी रेफरेंस पॉइंट ये से, तो 3 जंपे लगाएं, तो यहाँ पे इशारे यानी कि यही आंसर है 2863। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.2456। तो एक्स क्या होगा, एंटी लॉग 1.2456। बाय द वे पीछे जो आंसर आ रहे हैं वो बेसिकली एक्स की वैल्यू आ रही है, मैं शायद हाईलाइट नहीं कर रहा लेकिन वो एक्स की वैल्यूज आ रही है। तो ये 1.2456 ये आपका करेक्टरिस्टिक्स है ना। ये और ये, तो 24 की रो में 5 और 6 के नीचे आप वैल्यू देखेंगे। ये 24 की रो है, सबसे ऊपर हो जाए, ठीक है, उसमें 5 के नीचे वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1758, और बाद में 6 के नीचे, वो ये 6 के नीचे 2 है, तो 1758 में 2 ऐड करें तो 1760। वन सेवन सिक्स ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट से 1 जंप लगानी है तो यहाँ आएगा इशारिया, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू है 17.60। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी चेक कर लो 6 है, हाँ जी। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.2848, एक्स किसके बराबर होगा, एंटी लॉग 2.2848 के, तो 2.2848 इसमें ये आपका करेक्टरिस्टिक्स है यानी कि रेफरेंस पॉइंट से 2 जंप्स लगानी है। ये आपका मेंटीसा है, उसमें आपने क्या 28 के 4 और 8 के, 28 की रो में 4 और 8 के नीचे वैल्यू देखनी है, तो ये आपकी 28 की रो है ये वाली, ठीक है, 4 के नीचे वैल्यू आती है ये 1923, 1923, और बाद में आपने 8 के नीचे वैल्यू देखनी जो कि दोबारा से 4 है, तो 1923 में 4 ऐड करें 1927 हो जाएगा। नाइनटीन ट्वेंटी सेवन 2 जंपे लगनी है ना, रेफरेंस पॉइंट से 2 जंपे लगाएं तो यहाँ इशारिया आ जाएगा, और यही आपकी एक्स की वैल्यू है 192.7। ठीक है जी, जब आप क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 है कि लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.4545। एक्स होगा एंटी लॉग 1.4545। 1.4545 में ये करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि रेफरेंस पॉइंट से सिर्फ 1 जंप लगानी है, और ये आपका मेंटीसा है, तो 4545 में 45 की रो में 4 और 5 के नीचे आप वैल्यूज़ देखेंगे।
ये 45 किलो है, ये जो हाईलाइटर है ये मोटी जो हुई है ये वाली, तो 4 के नीचे वैल्यू आती है 28, 44 ये, और 5 के नीचे वैल्यू आती है 3। तो 2844 में आप 3 ऐड करें तो 2847, 2847। अब एक जंप है ना, रेफरेंस पॉइंट्स एक जंप है, तो यहाँ इशारा आ गया 28.47। बिल्कुल ठीक है जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.9009। एक्स है एंटायर लॉग 0.9009। अब 0.9009 में ये आपका करेक्टरिस्टिक्स है, और इधर आपने 90 की रो में 0 और 9 के नीचे वैल्यू देखनी है, तो 90 की रो बिल्कुल एंड पे होगी, ये सबसे नीचे वाली रो, ठीक है। 9009, तो 0 के नीचे जो वैल्यू है ना वो ये वैल्यू है 7943, 7943, और एंड में 9 के नीचे वैल्यू है 17। तो 7943 में 17 ऐड करेंगे तो 7960 हो जाएगा, 7960, 7960, कोई जंप नहीं है, ये जवाब है, ठीक है जवाब। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है जी, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.00। तो एक्स क्या होगा, एंटी लॉग 2.00। अच्छा जी, अब आप देखें कि 2.00 में ये आपका करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि दो जम्स हैं, और इधर क्या है 0 0। तो 0 0 की रो में जाके 0 के नीचे ही वैल्यू देख लें, ये 0 0 की रो है, 0 के नीचे क्या लिखा है 1000, तो यहाँ पे 1000 लिखें। अब चूंकि दो है करेक्टरिस्टिक्स तो दो जम्प्स लगनी थी, तो यहाँ पे इशारिया तो जवाब आ गया 100, तो एक्स की वैल्यू 100 आ गई। क्वेश्चन नंबर 10, लॉग ऑफ एक्स बराबर है 0.0088। एक्स बराबर है एंटी लॉग 0.0088, 0.0088 में ये आपका करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि कोई जंप नहीं है, रेफरेंस पॉइंट और इशारिया एक ही जगह पे हैं, तो 0 0 की रो में 8 और 8 के नीचे वैल्यू देखें, 0 0 की रो में 8 और 8 के नीचे, एक 8 के नीचे ये आ गई, और उसके अंदर ये 8 वाली वैल्यू ऐड कर दें जो कि 2 है, तो 1019 में 2 ऐड करें तो 1021, 1021, तो इशारिया यहाँ पे आएगा क्योंकि रेफरेंस पॉइंट और इशारिया एक ही जगह पे है क्योंकि करेक्टरिस्टिक 0 है। ये आपकी एक्स की वैल्यू है 1.021, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.6342, लेकिन इसका 1 बार लिखा उन्होंने, तो एक्स होगा एंटी लॉग 1 बार 634। इस 42 भी है, सॉरी मैंने गलत लिखा है, ये भी 6342 है। 1 बार का मतलब ये कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा, 1 बार का मतलब ये है कि आपने एक जंप लगानी है, लेकिन इस दफ़ा जंप आप वापस आने के लिए राइट साइड पर लगाएंगे, ठीक है ना, कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है ना, तो इशारिया को असल में इशारिया इधर था, लॉग लेते हुए इधर आया, तो एंटी लॉग लेते वापस आते हुए आपने राइट, सॉरी लेफ्ट साइड पे, इधर ये लेफ्ट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड पे जंप लगानी है,
6342 को देखें टेबल में, 6342 ये जी, 6-3 और 4 के नीचे ये वैल्यू लिखी हुई है, सॉरी ये 4305, और 2 के नीचे इधर ये 2 लिखा हुआ, ये 2 के कॉलम में ना इधर 2 लिखा हुआ, तो 4305 में 2 ऐड कर दें तो 4307, 4307। अब रेफरेंस पॉइंट ये होता है, उल्टी जंप लगानी है तो 0.4307, 0.4307 बिल्कुल ठीक है जवाब। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, उसमें लिखा जी कि एक्स इज इक्वल, उन्होंने पहले ही लिख दिया एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 बार 0.4291, 2 बार 4291, तो मतलब ये है कि ये करेक्टरिस्टिक्स है, तो रेफरेंस पॉइंट से इधर को जंप्स 2 लगेंगी, ठीक है ना। 4291 को देखें ज़रा टेबल में, ये आ गया 4299, का आखिरी वाला होता है ये, तो 2685 और बाद में 1 के कॉलम के नीचे 1 ही लिखा है, तो 2685 में 1 ऐड करेंगे तो 2686, टू सिक्स एट सिक्स। अब ये है इधर, तो इससे उल्टी जंप्स लगानी है, तो एक जंप लगाया इधर आया, एक जंप इधर, तो 0 लगाना पड़ेगा, तो ये इशारिया 0.02686, सॉरी गलत लेके आया मैं, 0.02686 ही आंसर है, चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक है जवाब। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हुई, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम टॉपिक 3.9 शुरू करेंगे, लॉज ऑफ लॉगरिथम। अस्सलाम वालेकुम।